शॉपिंग के लिए मस्त जगह है। तो अगर आप हनोई आ रहे हो और वीकेंड में आ रहे हो तो इधर से शॉपिंग कर सकते हो। ओल्ड क्वार्टर में है ये वाला, और ये एक रेस्टोरेंट टाइप है, मस्त दिख रहा, पूरा बोट जैसा दिखेगा, क्रूज टाइप। वीडियो ले लो। के बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, 3:10 का फ्लाइट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप लोगों में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब्ड है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आपको मैं विनती करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। या आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए आपका जो प्यार है मेरे कंटेंट के प्रति वो दिखाता है, जो कि मुझे ऐसे और अच्छे कंटेंट बनाने में और प्रेरित करता है। तो चलिए अभी वीडियो पे लौट चलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, तो आज है मेरा लास्ट दिन हनोई में और वियतनाम में। तो अभी आज तो प्लान था नींद बीन का, लेकिन बहुत ही टायर्ड थे तो नींद बीन किए नहीं। तो जस्ट सो के उठे, 2 बजे आए। तो सोच रहा हूँ थोड़ा इधर उधर जाऊँ, एक स्कूटी ले लूँगा, इधर उधर थोड़ा ट्रैवल करके देखूँगा, लोकल फूड और लोकल मार्केट घूमूँगा। बाकी रात को एक बार नाइट मार्केट जाना है, फ्लाइट है मेरा 3:10 को रात को। तो फिलहाल यही अपडेट है। और वियतनाम का ट्रिप तो मस्त रहा, मतलब मज़ा आया। आपको भी शेयर करूँगा वीडियो सब एक एक करके एडिट करके। बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी इतना ही। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या प्लान रहता है, कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, और बने रहिए मेरे साथ। तो अब स्कूटी लेके निकल पड़े फिर से और जा रहे इधर उधर ही घूमेंगे, आसपास क्या क्या है, ब्रिज व्रिज जो है हनोई में वो घूम के 10 बजे तक स्कूटी लौटा देना है। उसके पहले तो कुछ लंच भी करना है, तो स्कूटी का थोड़ा पेट्रोल भरवाना है। तो यही ढूंढ रहे हैं कि पेट्रोल पंप किधर है, फिलहाल यही वो है। ये कुछ सीन है आज का, इधर का वीकेंड का सीन्स। ये रोड शायद बंद रहता है, मालूम नहीं क्या है। इधर ही पार्किंग कर दिया क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और ये रेस्टोरेंट में है पूरोंग हुआ, भीड़ लग रहा है बहुत ही। तो थोड़ा चाइनीज़ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम है मिलेगा कि नहीं। अभी तो 5:09 है भाई, 12 तो इधर से निकल जाना है एयरपोर्ट के लिए। तो उसके पहले थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करना है, तो मिल जाएगा मोस्टली टाइम। देखते हैं थोड़ा इधर ही घूम के इधर उधर, फिर देखते हैं क्या होता है। ये कुछ चिकन राइस और लेमन चिकन, तो स्टिकी राइस के टाइप है इधर का। और प्लेट बहुत ही छोटे देते, इतना छोटा, ये देखें। तो ठीक है, अभी खाते हैं फिर बताते हैं फीडबैक आपको। तो बस लंच करके निकले, अच्छा खासा लंच था लेकिन एक्सपेंसिव भी था, 1400 गया। और उंगली का अभी भी बुरा हाल है। आइसक्रीम तो मुझे नहीं लेना। और अभी देख रहा हूँ इधर ही आसपास क्या है, ऐसा सीन है, बहुत ही लोग हैं। ये रास्ता मोस्टली बंद रहता है ऐसा। तो बस अभी इधर ही ऐसे घूम रहे हैं। हैंग डाउ तो इंडिया में भी है अपना, तो देख रहे हैं क्या क्या है क्या नहीं है। ट्रेडिशनल न्यूज़ रेसिपी, ये नया कुछ आइसक्रीम का दुकान दिख रहा है, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। शायद ये जगह है केम ट्वीटा। और ये एक रेस्टोरेंट टाइप है, मस्त दिख रहा, पूरा बोट जैसा दिखेगा, क्रूज टाइप। और ये स्ट्रीट वीकेंड में शायद ऐसा ही फुल रहता है, पूरा लोग भरे हुए हैं। और बंद भी रहता है ये जगह, सिर्फ वॉकिंग के लिए है। स्ट्रीट का नाम है हैंग डाउ स्ट्रीट। हेलो तो अभी आए थे कि टोपी लेना है कि नहीं, टोपी तो नहीं लेना। तो इस स्ट्रीट का नाम है हैंग डाउ स्ट्रीट। तो वीकेंड में इधर मस्त एक बाज़ार बैठता है, तो अगर आपको आना है तो आ सकते हो। इधर ही हूँ मैं, अभी घूम रहा हूँ। ये कुछ मार्केट है, कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं। तो बार्गेन तो करना है। अभी फ़िलहाल जो देखा, दो हेयर बैंड का बोला 5 लाख, जो कि नियरली 2000 रुपये तो हो गए, नहीं 1800 रुपये होंगे 2 हेयर बैंड के। तो क्या किस चीज़ का मना है मालूम नहीं। घूमते घूमते आ गए सेंट पॉल्स कैथीड्रल चर्च। ये हनोई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है। पीछे ये वाला हनोई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है ये। तो बस इधर ही थोड़ा घूमेंगे, फिर देखते हैं। कोई एक ब्रिज है, उधर भी जाना है। जितना हो सके उतना घूम लेंगे आज, क्योंकि अभी तो कुछ देर बाद निकल ही जाना है एयरपोर्ट के लिए। तो यही प्लान है। तो ये है कुछ चर्च, ये जब फ्रेंच आए थे तब बनाए थे। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंच चर्च है इधर का, और अच्छा दिख रहा है बाहर से बहुत ही। और आज वीकेंड है तो बहुत भीड़ है। ये देखिए कार वार क्या नहीं है इधर। और इधर लोगों के पास अच्छे खासे कार है, मतलब करेंसी डिफरेंस बहुत है इंडिया के साथ, लेकिन इधर लोगों के पास अच्छे खासे कार्स है। जो कैब्स में भी चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे कैब्स हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मैंने देखा है कि वैसा ही होता है। तो ठीक है, इसलिए चर्च के अंदर चलते हैं। आईफोन तो मेरा अंदर है। A few moments later. तो ये जो ब्रिज के ऊपर अभी हम सफर कर रहे हैं, तो इसका नाम है लॉन्ग बियन ब्रिज। तो ये बना था लगभग 1899 से 1902 के बीच। तो बहुत ही पुराना ब्रिज है, और पब्लिक के लिए ओपन हुआ था 1903 में। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि ब्रिज के क्रिटिकल पोजीशन के कारण जब वियतनाम वॉर चल रहा था, तो इस ब्रिज में बहुत सारे बॉम्बिंग अटेम्प्ट्स हुए थे। और ये ब्रिज एक्चुअली वियतनाम के 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, हुआन कीएम और लॉन्ग बियन। और ये रेड रिवर के ऊपर से जाता है ये ब्रिज। तो अभी अपने होटल के आसपास ही नाइट मार्केट होता है, तो इधर ही घूम रहे हैं। इधर बैग का दुकान है, आपका स्पा करने का है, सब कुछ ही है। टी शर्ट भी तक सब कुछ मिल जाता है। और नाइट मार्केट में तो और भी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप वीकेंड में आ रहे हो तो अच्छा खासा आपको शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। आपको बताना भूल गया कि स्कूटी अराउंड $6 में इधर मिल जाता है। 6 होटल से मत लेना, होटल में थोड़ा कॉस्टली रहता। होटल के बाहर जो दुकान है उधर से लेना। तो आपको $5-6 बार्गेन के बाद $5-6 में होल डे का मिल जाएगा। पेट्रोल आपको खुद को भरवाना है, और बाकी जो है कि अगर आप घूमना है तो स्कूटी से आराम से घूम सकते हो GPS डाल के। सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपका यूजुअली आपका पासपोर्ट जमा ले लेते हैं, तो जब आप स्कूटी लौटाओगे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस लिया था, लेकिन यूजुअली पासपोर्ट लेते हैं। तो अगर आप को पासपोर्ट मतलब आपको पासपोर्ट दे के स्कूटी लेना है, तो थोड़ा वो ध्यान रखना कि स्कूटी ठीक ठाक जगह पार्क करना, नहीं तो पासपोर्ट का हो जाएगा सत्यानाश। तो ऐसे भी पासपोर्ट ना तो कहीं किसी को नहीं देना चाहिए। तो यूजुअली ड्राइविंग लाइसेंस दे के ही स्कूटी लेना, बोलना कि पासपोर्ट मेरे कहीं रखा है सेफली ऐसा कुछ, क्योंकि पासपोर्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लौटने का। तो यही बात है, यही बोलना था। और फिलहाल अभी ऑलरेडी 9 कितना बजे 8:55 9 होने चले तो 10 बजे ये स्कूटी लौटाना है, ये वाला स्कूटी लिया है। और फिर जाना है, फिर 12 बजे निकल जाना है इधर से। तो बाकी अभी वियतनाम में 5-6 घंटे ही बचे हैं मेरा, उसके बाद बैक टू इंडिया, बैक टू माय ओन कंट्री। तो बस यही बोलना था। देखता हूँ अगर कुछ और इंटरेस्टिंग मिले तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। ओल्ड क्वार्टर का कुछ ऐसा सीन है वीकेंड में, आज फ्राइडे नाइट है। कुछ देर बाद आता हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश होकर। पहले तो देख रहा हूँ कि चीज़ डाल दिया, ऊपर मेयो सॉस डाल रहे हैं। मेयो और ये मेयो नहीं, एग्स है। प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। कुत्ता बहुत ही मस्त है। ये खा रहा हूँ, अच्छा ही है, नॉट बैड। और उंगली काट लिया आज, दाढ़ी काट, शेविंग करने टाइम तो ऐसा घूम रहा हूँ। ऐसा कुछ हनोई नाइट मार्केट का सीन है। वीकेंड में होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे मोस्टली ओल्ड क्वार्टर में। तब ये रास्ता बंद रहता। तो अगर आपको कुछ लेना है तो आके बार्गेन करके क्लोथ वोथ सब मिल जाएगा आपको इधर। ये सब कपड़े तो इधर से आप बहुत ही सस्ते से ले सकते हो, तो आप देख सकते हो। अगर आप आने आए तो आप आ जाओ। इधर आपको 7-Eleven उतना नहीं दिखेगा, सर्कल के बोल के 7-Eleven जैसा ही है। और सनग्लासेस वनग्लासेस सब मिल जाएंगे आपको। सब बैठ के पेंट कर रहे हैं गो। और जो अभी खाया उसको बोलते हैं चीज केक, इधर के लैंग्वेज में बन डोंग जू फो माई हन क्वेक, ऐसा कुछ। बस अभी जा रहा हूँ, इधर उधर ही देख रहा हूँ क्या मिल रहा है, अच्छा ही है। चप्पल भी बहुत मिल जाएंगे आपको। 49 के तो बोल रहा है, लेकिन आराम से बार्गेन हो जाएगा। और इयर रिंग्स भी मिल जाएगा, तो अच्छा मार्केट है ओवरऑल। शॉपिंग के लिए मस्त जगह है। तो अगर आप हनोई आ रहे हो और वीकेंड में आ रहे हो तो इधर से शॉपिंग कर सकते हो। ओल्ड क्वार्टर में है ये वाला, तो यही बोलना था। बहुत ही क्यूट दिख रहा है। तो नाइट मार्केट अगर आप 9:30-10 बजे तक आओ तो बहुत ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो घूम के खरीदो और कैश रखना अपने पास, क्योंकि इधर कार्ड नहीं चलता। तो अगर आप लड़की हो तो मतलब कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग हो जाएगा आपका, लग रहा है। ईयर रिंग से लेके बैग से लेके सब कुछ मिल जाएगा। That same evening 20 मिनट के बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। 3:10 का फ्लाइट है, अभी 11:36 है। तो बस अभी नीचे आए थोड़ा घूमने के लिए, क्या हो रहा है देखने के लिए, और कट कर देता हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। फाइनली डिनर हो गया है वियतनाम में, इस ट्रिप का लास्ट डिनर। फिर अगर नेक्स्ट तब आऊँगा तब होगा डिनर लंच तो जो होगा। अभी जा रहा हूँ रूम में, बस रूम में जाके कैब बुक करके निकल जाना एयरपोर्ट के लिए। पीस आउट।